रायपुर कवर्धा में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ सड़क पर उतरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जिन्हें बूढ़ा तालाब में 20 सड़क पर ही पुलिस के द्वारा बलपूर्वक रोक लिया गया। कवर्धा में परिषद के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ था यह प्रदर्शन। करीब एक माह पहले कवर्धा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके विरोध में ABVP के कार्यकर्ताओं ने 12 दिसंबर को कवर्धा कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कैंपस में हंगामा किया। हंगामा करने वाले 50 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FRI दर्ज की एवं 14 लोगों को हिरासत में लिया। इस गिरफ्तारी को बघेल सरकार की दमनकारी नीति बताते हुए कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पे मुख्यमंत्री आवास के घेराव के उद्देश्य के साथ आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार बलपूर्वक गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, उसी प्रकार यहां पर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों का अंत नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों की शुरुआत है। आगे चलकर 19 तारीख को प्रदेश भर के जिला केंद्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, चाहे वो प्रदेश की सुरक्षा का विषय हो, महिलाओं से संबंधित विषय हो, बढ़ते हुए ड्रग्स के सप्लाई का विषय हो, लूट का विषय हो, हत्या का विषय हो, तमाम प्रकार के विषयों को लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के जनजाति समाज के ऊपर होने वाले घटनाओं के विरोध में 19 तारीख को जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। और आगे चलकर विद्यार्थी परिषद इस विषय को छोड़ने वाली नहीं है, अंत तक इस विषय को समाधान की ओर लेके जाने वाली विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलाने वाली है। प्रदेश में जिस तरह से हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और कवर्धा में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया, और जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के दबाव द्वारा अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसको बचाने के एवज में जो विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, उसमें 18 छात्रों को बलात्कार गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके एवज में आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है। और जल्द ही बचे हुए छात्रों की रिहाई नहीं की जाएगी तो आगे भी आंदोलन अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगा, और प्रदेश भर के छात्र अपनी गिरफ्तारी देंगे बेगुनाह छात्रों को रिहा करने के उसमें। तो जिस प्रकार आज हम लोग को बहुत ही बलपूर्वक रोका गया है, इसके बाद अभी इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी, और इसके बाद और उग्र प्रदर्शन करने की अभी तैयारी चालू होगी। और जिस प्रकार आज हम लोग को मुख्यमंत्री बंगले तक नहीं पहुँचने दिया गया है, बलपूर्वक पुलिस के द्वारा जो रोका गया है उसके ऊपर फिर से हम लोग अभी चर्चा करके दोबारा एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। अभी यहाँ पर गिरफ्तार किए थे और हमारी कोई शर्त जितनी मांगे थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिया गया, हमको बलपूर्वक रोका गया था और ज़बरदस्ती रोके के हमारे आंदोलन में बाधा डाल रहे थे पुलिस वाले, तो इसके बाद यहाँ पर अभी रुके विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता। अब यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि यहाँ से आगे हम लोग सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे और भूपेश बघेल जी को अपना जो मांग है उनके सामने रखेंगे।